बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे बॉन्ड्स के बारे में, बॉन्ड्स क्या होते हैं और इनमें निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बॉन्ड्स एक निवेश का साधन यानी कि इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट और कंपनियों द्वारा मार्केट से पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। ये एक तरीके का लोन होता है जो गवर्नमेंट या कंपनीज आपसे लेती है। बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज का दर यानी कि इंटरेस्ट रेट और इसकी मैच्योरिटी डेट पहले से निश्चित होती है। अब हम समझते हैं बॉन्ड्स के फीचर्स के बारे में। एक, बॉन्ड का इश्यूअर यानी कि जारीकर्ता जो कि गवर्नमेंट या कोई कंपनी हो सकती है। दो, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य जैसे 100 रुपए, 10,000 रुपए एक्सेट्रा। तीन, इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर जैसे 8%, 9% एक्सेट्रा। चार, इंटरेस्ट के पेमेंट की फ्रीक्वेंसी जैसे कि सालाना या 6 महीने या क्वार्टरली। पांच, मैच्योरिटी डेट। और छह, क्रेडिट रेटिंग जैसे AA, AAA एक्सेट्रा। ये भी जानना जरूरी है कि निवेश के लिए एक सही बॉन्ड की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, इसके लिए आपको दो चीजें देखनी है। पहली, यील्ड टू मैच्योरिटी यानी कि YTM, इसे एनुअल रिटर्न के रूप में देखा जाता है। YTM हमें बताता है कि अगर इन्वेस्टर बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो बॉन्ड से मिलने वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। दूसरी, क्रेडिट रेटिंग। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिसिल, S&P, फिच, मूडीज आदि इशू करती है। ये रेटिंग बॉन्ड की क्वालिटी और इश्यूअर के फाइनेंशियल सेहत पर आधारित होती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के बॉन्ड्स के क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट AAA से लेकर लोएस्ट BBB- तक होती है। रेटिंग जितनी हाई होती है रिटर्न उतना ही कम होता है। इन बातों को ध्यान रखकर आप बॉन्ड्स में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।